लोगों को ये विदित है, मालूम है कि इस समय देश में 17वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव हो रहे हैं, जिसके तहत आपके आंध्र प्रदेश में भी लोकसभा के लिए आम चुनाव हो रहा है। और इस आम चुनाव में आपके तेलंगाना प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और जनसेना पार्टी, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर अलायंस करके, गठबंधन करके यहाँ पर ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और आज आप लोग इन दोनों पार्टियों के जो सभी छोटे बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता, तो तेलंगाना प्रदेश में यहाँ लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने गठबंधन के इन दोनों पार्टियों के सभी लोकसभा के उम्मीदवारों को जिताने के लिए या उनके समर्थन में मेरे साथ साथ जनसेना पार्टी के प्रमुख व आपके पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में वहाँ के लोगों की पहली पसंद के मुख्यमंत्री पद के हर मामले में योग्य, कर्मठ व युवाओं के व अति लोकप्रिय उम्मीदवार श्री पवन कल्याण जी को भी आप लोग सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में यहाँ के तेलंगाना प्रदेश में बने इस गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए कुछ ज़रूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि तेलंगाना जो प्रदेश है, स्टेट है, तो ये पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। ये अलग से स्टेट बनने से पहले ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा होता था। आप लोगों को ये भी मालूम है कि अंग्रेजों के जाने के बाद तो लंबे अरसे तक केंद्र और देश के ज्यादातर राज्यों में यहाँ कांग्रेस पार्टी ही पावर में रही है, और आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के हाथ में लंबे अरसे तक हुकूमत रही है। लेकिन कांग्रेस की हुकूमत में यहाँ जो आपका तेलंगाना का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई, तो जिसकी वजह से तेलंगाना के जो लोग हैं तो उन्होंने एजिटेशन किया कि हमारा अलग से स्टेट बनना चाहिए, हमारा अलग से स्टेट बनना चाहिए। आप लोगों ने काफी वर्षों तक इधर एजिटेशन किया, और आपके एजिटेशन की वजह से, संघर्ष की वजह से तेलंगाना अलग से स्टेट बना। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि यदि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हुकूमत के दौरान यहाँ के आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र की उपेक्षा नहीं की होती, तो फिर तेलंगाना के लोगों को अलग से स्टेट बनाने की मांग नहीं करनी पड़ती। लेकिन आपके इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई, तेलंगाना अलग से स्टेट बन गया। तेलंगाना के लोग ये सोच कर चल रहे थे कि जब यहाँ पर ये स्टेट बन गया, जो भी गवर्नमेंट बनेगी, स्टेट गवर्नमेंट बनेगी, तो आपके क्षेत्र का ध्यान रखेगी। तेलंगाना में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनका ध्यान रखेगी। लेकिन हुआ क्या, जिस प्रकार आंध्र प्रदेश में, जब ये हिस्सा आंध्र प्रदेश में था, जैसा आंध्र प्रदेश के हुकूमत के दौरान जब ये हिस्सा आंध्र प्रदेश में शामिल था, तो जैसे उस समय इस क्षेत्र की उपेक्षा होती रहती थी, तो अभी भी तेलंगाना अलग से स्टेट बनने के बावजूद भी
इस क्षेत्र में का कोई ज्यादा विकास नहीं हुआ है, यहाँ के लोगों की उपेक्षा हुई है। आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके तेलंगाना में वीकर सेक्शन के लोग काफी बड़ी तादाद में हैं। यहाँ पर जो अनुसूचित जाति सुन का सुन ट्राइब SC ST पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, बैकवर्ड क्लास की भी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। यदि हम SC ST और OBC को मिला दें तो ये लगभग आपके तेलंगाना स्टेट में 70% पॉपुलेशन SC ST OBC के अकेले बन जाती है, बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि तेलंगाना अलग से स्टेट बन गया, यहाँ पर SC ST OBC की पॉपुलेशन 70% है, लेकिन इस स्टेट का जो मुख्यमंत्री कौन है इस समय, श्री KCR, और उसके कम्युनिटी की जो संख्या है, उसकी कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है पूरे तेलंगाना में 1.5 या 2% है। मिस्टर KCR जो इस समय CM है, तो उनके कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है यहाँ पर 1.5 या 2% है। 1.5 और 2% जिस समाज की आबादी है, पॉपुलेशन है, तो उस समाज का आदमी यहाँ का मुख्यमंत्री बना हुआ है। और जिन लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है SC ST OBC की, लगभग 70%, तो वो लोग कहीं नज़र नहीं आते हुकूमत में इधर। अब ऐसी स्थिति में तो जो SC ST OBC है तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसलिए चाहे तेलंगाना अलग से स्टेट बन गया है, लेकिन आप लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो सकता SC ST और OBC का। और आप लोगों को वैसे भी मालूम है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से SC ST OBC के लोगों को जो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिला या जिंदगी के हर पहलू में जो आगे बढ़ने का मौका मिला है, जो उन्हें कानूनी अधिकार मिले हैं, उसका फायदा इन लोगों को आज पे तेलंगाना ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर इन लोगों को बराबर नहीं मिल पा रहा है। और SC ST वर्गों का जो रिजर्वेशन का कोटा है वो अभी भी अधूरा पड़ा है, और पदोन्नति में जो आरक्षण है वो भी निष्प्रभावी बना हुआ है, प्रभावहीन बना हुआ, हालत बड़े खराब है। और ज़्यादातर जो गवर्नमेंट के सेंटर के भी जितने भी बड़े बड़े कार्य हैं या स्टेट गवर्नमेंट के भी, तो वो ज़्यादातर बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों को दिए जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर के जरिए, और प्राइवेट सेक्टर में SC ST OBC के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो आपको रिजर्वेशन दिया, तो उसका पूरा लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस के समय में भी यही होता आया और BJP के समय में भी, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पर भी। इसलिए मेरा आप लोगों को ये कहना है कि यदि आप लोग अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, तो माननीय श्री कांशीराम जी ने आप लोगों को ये कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आप लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए कानूनी अधिकार तो दे दिए हैं, यदि आप लोग इनका फायदा उठाना चाहते हैं तो आप लोगों को सेंटर में और स्टेट्स के अंदर पॉलिटिकल पावर की मास्टर की आप लोगों को अपने हाथों में लेनी होगी। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। माननीय श्री कांशीराम जी ने तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने कानूनी अधिकार दिए, उसका लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा। तो माननीय श्री कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी के नाम से आपको पॉलिटिकल प्लेटफार्म दिया और आप लोगों को ये कहा कि आप लोग इस अपनी इस पार्टी को मजबूत बनाकर तो आप लोग सेंटर और स्टेट में आप लोग पावर में आ सकते हैं। और इतना ही नहीं,
एससी एसटी ओबीसी के अलावा जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हैं उसमें पूरे कंट्री में आपके तेलंगाना में भी आंध्रा में भी मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। मुस्लिम समाज की हालत वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार चल रही है जो हर मोर्चे पर फेल हुई है, हर समाज के लोग दुखी हैं, हर विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोग दुखी हैं, गरीब मजदूर बेरोजगार किसान छोटे व्यापारी सभी दुखी हैं। तो ऐसी स्थिति में तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एससी एसटी ओबीसी वर्गों के लोग ही दुखी नहीं हैं, अपर कास्ट में से गरीब लोग भी दुखी हैं, बेरोजगार लोग भी दुखी हैं, हर क्षेत्र के लोग दुखी हैं और कांग्रेस के समय से लोग दुखी हैं। इनकी गलत नीतियों गलत कार्य प्रणाली की वजह से कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा, बीजेपी पावर में आई। आप लोग सोचते थे सेंटर में बीजेपी पावर में आएगी तो शायद वो अच्छे दिन दिखाएगी, आप लोग ये सोच रहे थे। बीजेपी ने कहा था पिछले लोकसभा आम चुनाव में कि बीजेपी यदि सेंटर में पावर में आती है तो पूरे कंट्री में जो गरीब लोग हैं तो हर गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को विदेशों में जो काला धन जमा है उसको हम 100 दिन में वापस लाकर हर मेंबर को देंगे 15 से 20 लाख रुपए। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को बने हुए 5 साल लगभग पूरे हो चुके हैं, क्या आपके तेलंगाना में किसी भी गरीब आदमी को 15 लाख या 20 लाख रुपए किसी को मिले हैं? मैं समझती हूँ किसी को नहीं मिले हैं। इसलिए मेरा आप लोगों को ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में जो चुनावी वायदे किए थे उसको उन्होंने पूरा नहीं किया, उसको पूरा नहीं किया, लगभग 1/4 हिस्सा भी काम उसका पूरा नहीं किया है। और इतना ही नहीं, अब बीजेपी फिर से नए नए चुनावी वायदे कर रही है तो आप लोगों को उनके बहकावे में नहीं आना, गुमराह नहीं होना है। और बीजेपी के लोग जो अब ये नए नए वायदे कर रहे हैं उनसे आपको एक ही सवाल पूछना चाहिए कि पहले आप जो पिछले 5 साल का जो हिसाब है, जो आपने पिछले लोकसभा चुनाव में चुनावी वायदे किए थे, पहले आप उसका हिसाब दो, बाद में ये नए वायदों की बात करो। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी ने भी, यदि कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में लंबे अरसे तक सेंटर में रहे, आपके स्टेट में भी रहे, यदि इन्होंने अपने वायदों को पूरा किया होता तो कांग्रेस पार्टी आज सत्ता से बाहर क्यों होती? अब कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी की तरह तो प्रलोभन भरे वो वायदे कर रही है, गरीबी हटाने के लिए वो किस्म किस्म के वायदे कर रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिन राज्यों में आज जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम गरीबी हटाएंगे और गरीब जो व्यक्ति है उसको हम 1 साल में 72,000 रुपये देंगे, मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहती हूँ, इंडिया में अपने देश में जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ पर तो पहले इस फार्मूले को लागू करना चाहिए। जब वहाँ पर ये लागू नहीं कर पा रहे तो पूरे कंट्री में कैसे लागू कर पाएंगे? तो इसलिए आप लोगों को बीजेपी की तरह तो कांग्रेस के भी आप लोगों को ये जो इनके जो किस्म किस्म के जो वायदे अब चुनाव में कर रहे हैं तो आप लोगों को इनके बहकावे में आप लोगों को नहीं आना है, ना बीजेपी के और ना कांग्रेस के। और यहाँ की जो रीजनल पार्टीज हैं, यहाँ की जो रीजनल पार्टीज हैं जिनको आप आजमा चुके हैं, श्री केसीआर की पार्टी को आप आजमा चुके हैं, तो लेकिन आप लोगों का कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आप लोग का बगल का स्टेट है आंध्रा, वहाँ पर भी आप लोगों को मालूम है कोई खास विकास जनता का नहीं हुआ है। तो मेरा आप लोगों को यही कहना है कि आंध्र प्रदेश के लोग भी और तेलंगाना प्रदेश के लोग भी अब आप लोग बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और जब आप लोग परिवर्तन चाहते हैं तो आप लोगों को फिर घिसे पिटे लोगों को सामने नहीं लाना चाहिए, ना स्टेट में ना सेंटर में। आप लोगों को ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए जिनकी कथनी करने में कोई अंतर नहीं होता, जो कहते हैं
उसको करके भी दिखाते हैं। आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी को 4 बार वहाँ सरकार बनाने का मौका मिला मेरे नेतृत्व में। हमने उत्तर प्रदेश में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर वहाँ के लोगों को बेहतरीन सरकार दी, और मुझे पूरा भरोसा है कि बीएसपी से प्रभावित होकर तो जन सेना के जो अध्यक्ष हैं श्री पवन कल्याण भी, वो भी तो उत्तर प्रदेश में जो हमारी गवर्नमेंट रही है और हर क्षेत्र में जो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है वहाँ की जनता को, उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं। और मुझे पूरा भरोसा आंध्र प्रदेश के जो आपका पड़ोसी स्टेट है, आंध्र प्रदेश के लोग इस कोशिश में हैं, वहाँ की जनता बदलाव चाहती है और चाहती है कि वहाँ पर कोलिशन की सरकार बने, बीएसपी जनसेना की जो मिली जुली सरकार बने, और वहाँ का जो मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का श्री पवन कल्याण जी को बने, ऐसा वहाँ के लोगों की चाहत है। और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यदि केंद्र में आपका तेलंगाना में लोकसभा के लिए अलायंस हुआ है, यदि आप लोगों ने तेलंगाना में तो अपने अलायंस को के जो अपने कैंडिडेट हैं उनको आप लोगों ने जिताकर भेजा, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को जिताकर भेजा, और देश के अन्य राज्यों में भी यदि हमको अच्छा रिजल्ट मिलता है, उत्तर प्रदेश में तो हमको ज़रूर मिलेगा, वहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी बीएसपी और आरएलडी के गठबंधन की वजह से बीजेपी की हालत बहुत ख़राब है, और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, पूरी ताकत उनकी उधर उत्तर प्रदेश में लगी हुई है, और 7 अप्रैल से मेरा उत्तर प्रदेश में दौरा शुरू हो जाएगा। और आप लोगों को ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से इतना बड़ा, काफ़ी बड़ा स्टेट है, और देश के प्रधानमंत्री का फैसला कहाँ से होता है? उत्तर प्रदेश से होता है। और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि यदि इस बार बदलाव कुछ आया और लोगों ने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया, सही पार्टी के लोगों को वोट दिया, तो सेंटर में जरूर परिवर्तन आएगा और बीजेपी सत्ता से जरूर बाहर होगी। बीजेपी के बारे में मालूम है आप लोगों को, बीजेपी ने नोटबंदी और जीएसटी की वजह से, जिस वजह से बीजेपी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में जीएसटी और नोटबंदी, तो बिना पूरी तैयारी के जल्दबाजी में जिस प्रकार से उसको लागू किया गया और पूरे देश में गरीबी बेरोजगारी बढ़ी, अर्थव्यवस्था के पर बुरा असर पड़ा, और इसका भी सबसे पहले विरोध पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी ने किया था, और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पूरे देश की जनता बहुत दुखी है, आप लोग भी दुखी हैं, और यदि परिवर्तन होता है और सेंटर में हमें सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो हम लोग फिर सेंटर में पूरे देश के अंदर सत्ता में आने के बाद तो उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर चलकर पूरे कंट्री में हम लोग सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सरकार चलाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ आपके तेलंगाना स्टेट की जो भी यहाँ की स्थानीय समस्याएं होंगी उनका समाधान किया जाएगा, यहाँ के वीकर सेक्शन के लोगों का प्राथमिकता के आधार पर हर मामले में हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी इन सब बातों पर पूरा ध्यान देंगे और पूरी ईमानदारी निष्ठा से ये जो हमारा कोलिशन हुआ है, गठबंधन हुआ है बहुजन समाज पार्टी और जनसेना का, तो ये आप लोग ये गठबंधन मिलकर आपके तेलंगाना में जितनी लोकसभा की सीटें हैं ये गठबंधन जो मिलकर चुनाव लड़ रहा है, तो आप लोग एक दूसरे को अपना वोट ट्रांसफर करके तो गठबंधन के लोकसभा के उम्मीदवारों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जिताएंगे। और मैं आप लोगों से अब यही अपील करती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के तहत जो हमने कैंडिडेट खड़े किए हैं, तो मेरी गठबंधन के लोगों से अपील है
कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को आप लोग बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर भारी वोटों के अंतर से कामयाब बनाएंगे। इसी प्रकार जनसेना पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, हमारे गठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो उनका चुनाव निशान गिलास है। आप लोग गिलास चुनाव चुन के सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर कामयाब बनाएंगे। आप लोग गठबंधन के अलायंस के अपने उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा जिताकर भेजेंगे पार्लियामेंट में। इस समय हमें ज़रूरत है। तेलंगाना प्रदेश के लोगों से मेरी अपील है कि हमें सेंटर में आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से बनकर आए, आपकी ज़रूरत है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट जिताकर भेजेंगे। ऐसी मैं अपील के साथ अपनी बात यही सब समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। ये वीडियो गनक मीकु नच्चिनट्लयिते प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू समांतर भारत टीवी। మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని నొక్కండి।